मथुरा वृंदावन नगर निगम के वृंदावन कार्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब महापौर सफाई कर्मियों की समस्या को सुन रहे थे, तभी हंगामा होने लगा और मेयर सीट से खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दरअसल मेयर मुकेश आर्य बंधु सफाई कर्मियों की समस्या को सुन रहे थे, तभी वार्ड संख्या नंबर 6 के पार्षद हेमंत भारती वहां आ गए। पार्षद हेमंत भारती ने अपने वार्ड में विकास कार्य ना होने का आरोप जैसे ही लगाया, तभी दोनों में गर्मा गर्माई शुरू हो गई और बात हंगामे तक पहुंच गई। कार्यालय में हंगामा बढ़ा तो नगर निगम कर्मी भी वहां आ गए और दोनों को शांत कराने का प्रयास करने लगे। काफी देर तक हंगामा होने के बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। इस बारे में जब मेयर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ दलाल टाइप के लोग वाल्मीकि समाज को बरगला कर उनका विकास नहीं होने देना चाहते हैं और ना ही काम होने देते हैं। वहीं पार्षद हेमंत भारती ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली कंपनी भी कोई काम नहीं कर रही है। जोनल कार्यालय में एक पिछले 6-7 महीने से डोर टू डोर कूड़ा कंपनी काम कर रही है एनवायरो, वो लगातार वाल्मीकि समाज के लोग इनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। पिछले 7 महीने से ये काम कर रही है, ये कंपनी कोई काम नहीं कर रही है। इस कंपनी के 2-3 काम थे करने के, कूड़ा प्रोसेसिंग से लेके उसको प्लांट तक ले जाने तक के लिए, लेकिन कंपनी सिर्फ क्या कर रही है, कंपनी कूड़े को ले रही है, चार्ज ले रही है, उसको प्लांटेशन नहीं कर रही है। ना कंपनी के पास कोई प्लांट है, वो लगातार खत्ता घर जो बने हुए लगातार बड़ा होता जा रहा, पहाड़ बनता जा रहा, उसकी तरफ नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि समाज के लोग आज आए हुए थे, इनको सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम जो कंपनी कर रही थी, इनको लॉलीपॉप दे के काम पूरा हटा लें और ये गरीब लोग इनको हटा दें इस काम से, जिससे कि ये लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आने वाले समय में इन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यही इनका रोजगार का माध्यम पिछले सैकड़ों सालों से हम देखते आ रहे हैं कि यही लोग लगातार हम काम कर रहे हैं। और टेक्निकल क्वेश्चन का इन लोगों का कैसे हित करेंगे, क्या है? नहीं, हित का ये है, देखिए ये कंपनी, ये जो लोग हैं ये पिछले कई सालों से इसी से जुड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इन लोगों को भी कंपनी में काम दिया जाए, इनको नौकरी दी जाए और जो इनका जो अधिकार है वो अधिकार इनको दिए जाए, जिससे कि ये भी अपना जीवन यापन कर सकें। ये भी गरीब लोग हैं, कहीं ना कहीं इनका यही काम है और इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है करने के लिए। इनको ये काम इनको मिल जाए, कंपनी इनके साथ जोड़ के मिलकर काम करे और जो प्लांट है उस प्लांट को लगाए तो ये भी सही से काम कर सकते हैं। और जो शहर में सफाई होनी, आज मेरे शहर में वृंदावन शहर में करीब 300 से 400 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई का स्तर कितना है ये आप लोग सब जानते हैं। किस हिसाब से सफाई, कोई सफाई पर ध्यान नहीं दिया रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है चारों तरफ, कमाई की जा रही है अधिकारियों द्वारा, पैसे की लूट हो रही है नगर निगम के द्वारा और कुछ काम नहीं हो रहा है। आज जो हंगामा हुआ, ये तड़की भड़का हुई, ये किस बात को लेकर हुई? ये सिर्फ बात हुई थी कि सब सेटिंगबाजी का खेल चल रहा है, यहाँ पर सेटिंगबाजी के हिसाब से सब मैनेज किया जा रहा है, बाकी का गरीब लोगों के हित के लिए बात ही नहीं की जा रही है। पिछले 6-7 महीने से मैं इस कंपनी को लगातार देख रहा हूँ, वाल्मीकि समाज के लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाहर से लोग हैं, मैं इस बाहर में रहता हूँ, कोई भी परेशानी होती है जो लोग मेरे पास आते हैं मुझसे कहते हैं कि भाई हमको ये परेशानी आ रही है। अब मैं इसी बात को लेकर आया, लेकिन मुझको भी नहीं सुना गया, मुझको भी धक्का देकर बता दिया कि आप ठेकेदार हैं, आप ये है वो, इस तरीके से मेरे साथ उल्टी सीधी अभद्रता की गई। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये गरीब लोग हैं, इनका ध्यान रखा जाए, इनको जो जरूरत है, इनकी सुविधा है, जो इनको सुविधा है इनको दी जाए, नहीं अगर ऐसा हुआ तो इन लोग, ये लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और फिर आगे की स्थिति जो होगी वो सामने आएगी। सबके मांग क्या है, मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग यही चाहते हैं कि हमारे इनका जो काम है, देखिए सालों से काम करते आ रहे हैं, इनका ये काम है परंपरा, इनको ये काम करने दिया जाए, जो सिस्टम है उस सिस्टम में ये काम करने के लिए तैयार है। अगर ये चाहते हैं कूड़े को सही ढंग से प्रोसेस हो, उसको प्लांटेशन सही हो, तो ये लोग वो भी करने के लिए, लेकिन एक प्रोसेस प्लांट तो आपका प्रोसेस तो कोई नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सिस्टम नहीं, बस अंधाधुंध नई नई कंपनी आ रही है, कभी बीबीजी कंपनी आ गई, कभी इनमेरो जोन आ गई, कभी कोई कंपनी आ गई और सिर्फ पैसे की लूट बंदरबांट हो रही है। मतलब जो 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 पैसे से जो काम होना चाहिए, जो प्रॉपर होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, और ना इनको कोई नौकरी दी जा रही है, सिर्फ डूडा के नाम पे इनको ठगा जा रहा है। 8 से 20 से 30 हजार रुपए इनसे लिए जाते हैं नौकरी लगवाने के नाम पे और मात्र 5 से 6 हजार रुपए इनको तनख्वाह दी जाती है। इस तरीके बड़े स्तर पर घोलमाल और घोटाला नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। सिस्टम और टेक्निकल चीजें, देखिए हमारे ही समाज के जो लोग हमेशा से सफाई का कार्य करते आए हैं, सफाई कर्मचारी रहे हैं, उनके साथ नगर निगम की एक बैठक रखी गई थी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, उनसे ये बातचीत की जा रही थी और इस बातचीत में कुछ दलाल टाइप के लोग आ गए जो दलाली करना जानते हैं, वाल्मीकि समाज को बर्बादी के कगार पर लेना जानते हैं, जो वाल्मीकि समाज के दुश्मन हैं, वो वाल्मीकि समाज को इस दलदल से नहीं निकलने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं वाल्मीकि समाज जरा इसको समझे, वाल्मीकि समाज का हम उद्धार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज को उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलना चाहिए
और जो हमारी सरकार का कार्यक्रम है डोर टू डोर कलेक्शन का, वो भी होना चाहिए। इसलिए आज हमने ये बैठक बुलाई थी, लेकिन कुछ दलाल किस्म के लोग यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने इस बैठक को असफल करा दिया है। हम ये बैठक फिर दोबारा से कराएंगे। अभी कुछ तय तो हुआ था कि सफाई करके वो पूरा कलेक्शन वालों को देंगे। तय ये हो रहा था, हमारे सफाई कर्मचारी भी मान रहे थे। हम ये चाहते थे कि सफाई कर्मचारियों को उनका अहित ना हो किसी भी तरीके से, उनका हित होना चाहिए, ये तय हो रहा था। तो ये दलाल किस्म के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हम तो यहाँ फ्री में कराएंगे काम, जो 10 रुपये या 30 रुपये डोर टू डोर कलेक्शन के पर घर से लिए जाते हैं। तो कुछ दलाल किस्म के लोग वो कंपनी के ऊपर नाजायज एक अपना दबाव बनाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम तो यहाँ फ्री में करा देंगे। हम ये चाहते हैं जो लोग हमारे सफाई कर्मचारी वास्तविक हैं। अब आप ये देख रहे हैं जो बोल रहे हैं, इन्होंने कैसे सफाई कर देंगे, ये किस तरीके से कर देंगे फ्री में, नहीं कर सकते। तो ये दलाल टाइप के लोग हैं यहाँ पर, जिस तरीके की इसको काम को नहीं होने दे रहे हैं। और हमारा वृंदावन और मथुरा दोनों धार्मिक क्षेत्र हैं, खासतौर से वृंदावन तो ज़्यादा ही धार्मिक है। हम चाहते हैं कि वृंदावन में सफाई जो है बदस्तूर जारी रहे, ठीक ठाक सफाई। मेरे सर एक सवाल ये भी उठा है कि जो कंपनी है जो कूड़ा उठाती है उसका निस्तारण प्लांट वगैरह ये सब कहाँ है? देखिए हम यही तो बात आज तय करने के लिए आए हैं कि कंपनी पहले अपना निस्तारण प्लांट यहाँ लगा ले, जैसे हमारे यहाँ मथुरा में लग गया है, उसे हम वृंदावन में भी लगवाना चाहते हैं। वही बातचीत हम करना चाहते हैं, तो ये कार्य हम कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दलाल टाइम के लोग जो आ गए हैं, ये इस काम के इसमें अपनी टांग फंसाना चाहते हैं और इसको नहीं होने दे रहे। तो कंपनी इतने दिन से कूड़ा उठा रही है, तो उसका प्रोसेस वगैरह क्या स्थिति बन गई? कंपनी ने अभी तक ये प्लांट वगैरह भी कोई नहीं, अभी तो वो ऐसे ही प्रोसेस हो रहा है। इसी को हम रेगुलराइजेशन करने के लिए कि अपना तरीके से काम करें कंपनी, इसीलिए हमने कंपनी वाले बुलाए, अपने सफाई कर्मचारी बुलाए। क्षेत्र जो पार्षद थे उनका कहना था कि अच्छा सभी वार्डों में 100 एलईडी लाइट दी थी, लेकिन उनके वार्ड में अभी तक कोई लाइट नहीं पहुंची। हमने प्रत्येक वार्ड को दिया, वो झूठ बोलता है पार्षद हमारा, झूठ बोल रहा है। हमने प्रत्येक वार्ड को दिया, वो कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है, हमारा पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। लेकिन वो कुछ लोग जो है इसको ना मानते हैं ना, ये गलत है। अब जो पार्षद कहते हैं वो सारी बातें थोड़ी मान ली जाएंगी, ये तो लिखत पढ़त में है, ये कोई मेरे जिम में थोड़ी गई है। हर वार्ड में हमने 100 दिए और फिर 100 दे रहे हैं, सारे वार्डों को दे रहे हैं, लाइट का कोई मुद्दा नहीं। मेरे सर एक अंतिम सवाल ये है कि जो आपके साथ पार्षद की जो जिरह हो रही थी, आखिर पार्षद किस तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं? पार्षद ये कहना चाह रहा है कि आप यहाँ एक दलाल आदमी है जो बोल रहा है पल्ली तरफ, वो उसके साथ मिल के ये चाहता है कि कंपनी पे एक नाजायज दबाव बना दिया जाए और नाजायज दबाव के साथ काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं भाई कंपनी कंपनी के तरीके से काम करेगी, अगर काम नहीं करेगी तो हम कैसे यहाँ सफाई व्यवस्था करा पाएंगे? और बिना पूछे कछे जो खामा खाने के लिए बरगला देना, आपके सामने ये सारी बात हो रही थी, सफाई कर्मचारी तैयार होते, उसने आपका पमाड़ा कर दिया और वो खामा खाने की बात पैदा कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम कराएंगे, फिर बैठेंगे उनके साथ। क्षेत्र में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क टूटी है, क्या कहेंगे लोग, बागों में रोष है? देखिए पानी और बिजली और सफाई रोज होती है, रोज समस्या खड़ी होती है, पानी डेली चलता है, डेली समस्याएं खड़ी होती हैं, ये तो रोजमर्रे के काम है, रोज कराते हैं, रोज होते रहेंगे। और ऐसा हमारे टाइम में कोई काम नहीं है जो नहीं होता हो, सारे काम हो रहे हैं टाइम से। 6 महीने से पानी की समस्या है, लगातार गंदा पानी मिल रहा है लोगों को, गंदा पानी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो पानी मुझे मालूम है गंदा है, ये बाबा बोल रहे हैं, मैंने कम से कम 10 गड्ढे 20 जगह चेक करवाया है, सारी लाइनें कटवा के दिखवाई हैं। अब वो नहीं मिल पा रहा है कोई स्पॉट, तो उसके लिए समाधान भी खोज दिया है कि मैं ओपन लाइन हम डरवा रहे हैं और जनता को स्वच्छ पानी मिले। तब तक पानी की व्यवस्था कैसे हो रही है लोगों की? 10 महीने से बता रहे हैं परेशान। नहीं, दूसरी जगह से पानी चलता है, एक लाइन में थोड़ी पानी की व्यवस्था नहीं, नहीं वो चलती, दूसरी लाइनें चलती हैं, पानी आता है, ऐसा कुछ नहीं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।